राजस्थान शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है कि आखिर रीट होगी या आरटेट, क्योंकि शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने इस संबंध में एक बड़ा बयान हाल ही में जारी किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब फर्स्ट लेवल में भी बीएड वालों की एंट्री हो सकती है, क्योंकि सीटेट सहित उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में इस प्रकार का न्यू अमेंडमेंट किया जा चुका है। इसी के साथ में ये भी स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी सरकार के द्वारा संचालित रीट परीक्षा, जिसमें शिक्षक भर्ती एक परीक्षा के माध्यम से होती थी, वो गलत है। अब कांग्रेस सरकार शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा का अलग से आयोजन करेगी और इसके बाद में शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। इस प्रकार से शिक्षक भर्ती के लिए अब दो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानधारा हरसोली चैनल और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर रीट होगी या आरटेट। यदि आरटेट होगी तो इसकी पात्रता परीक्षा के आवेदन कब तक लिए जा सकते हैं और फिर इसके बाद में भर्ती का विज्ञापन जारी कब तक किया जा सकता है। क्या वास्तव में बीएड में वालों को फर्स्ट लेवल में एंट्री दी जाएगी? संपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए आज इस वीडियो के साथ में अंत तक। और यदि चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो शिक्षा और रोजगार से जुड़ी तमाम अपडेट समय पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारे द्वारा रोजगार और शिक्षा से जुड़ी तमाम अपडेट्स अपलोड होते ही आप तक समय पर पहुंच जाए। साथियों, राजस्थान में शिक्षक भर्ती के संबंध में 14 नवंबर को श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने एक ट्वीट किया था और इसके माध्यम से उन्होंने बताया था कि प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए शिक्षा विभाग में सेकेंडरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन दोनों में खाली पड़े हुए पदों को भरने के लिए शीघ्र ही नवीन नियुक्तियाँ बड़ी संख्या में की जाएंगी। तो इस संबंध में इशारा देने के बाद में शिक्षा मंत्री जी ने अब हाल ही के अपने बयान में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अब जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी उसके लिए शिक्षक बनने से पहले दो परीक्षाएं आपको देनी होगी। राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2019 को लेकर शिक्षा मंत्री जी डोटासरा का बड़ा बयान और मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि राजस्थान में अब 1 से 8 तक थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती में पहले पात्रता परीक्षा होगी और उसके बाद में एक एग्ज़ाम और होगा। नई शिक्षा नीति के तहत राजस्थान में सेकेंडरी लेवल पर भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अब सेकेंड ग्रेड टीचर की जो भर्ती है उससे पहले भी पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, अर्थात सेकेंडरी सेटअप में सेकेंड ग्रेड टीचर्स की भर्ती भी अब पात्रता परीक्षा के बाद में होगी, अर्थात इससे पहले पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा और इसके बाद में द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती की परीक्षा में परीक्षार्थी शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ में उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब बी एड वालों को फर्स्ट लेवल में थर्ड ग्रेड टीचर फर्स्ट लेवल में एंट्री दी जाएगी। ये न्यू अमेंडमेंट भी नई शिक्षा नीति के तहत करने वाले हैं, क्योंकि स्पष्ट है कि 2011 और 12 के बाद में आरटेट का आयोजन नहीं हुआ है। बीजेपी सरकार ने 2015 और 17 में रीट परीक्षा का आयोजन करवाया था, जिसके तहत एक परीक्षा के माध्यम से ही शिक्षक बनने की राह आसान हुई थी, लेकिन अब कांग्रेस सरकार वापस 11 और 12 के बाद में अब 2020 में जल्दी आपके लिए पात्रता परीक्षा लेकर आने वाली है। स्पष्ट है इस रूप को देखते हुए पात्रता परीक्षा लगभग फरवरी तक, इस पात्रता परीक्षा के लिए बेरोजगारों से आवेदन मांगे जा सकते हैं, इसके बाद में जून जुलाई में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा सकता है। इसलिए आप लगातार बने रहिए अपनी तैयारी के साथ में, क्योंकि रीट हो या टेट हो सिलेबस एक ही है, पात्रता परीक्षा हो या शिक्षक भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम आपका एक ही है। लगातार अपनी तैयारी को जारी रखें और तमाम अपडेट समय पर पाने के लिए लगातार जुड़े रहिए हमारे इस ज्ञानधारा हरसोली चैनल के साथ में, और प्रत्येक अपडेट आपसे मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मेरी शुभनाओं का कामनाओं के साथ में जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानधारा हरसोली चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज आपको सबसे पहले मिले।